हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार रिपेयरिंग हाउस में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग का CRT टीवी आया है और इस CRT टीवी में रेनबो स्क्रीन की फॉल्ट देखा गया है। तो दोस्तों, आज हम इस तरह की फॉल्ट को आज रिपेयर करके दिखाएंगे और ये अधिकतर हमारी सैमसंग टीवी पर किस जगह से ये फॉल्ट होती है दोस्तों, आज डिटेल्स में हम समझाएंगे। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को भगा के नहीं देखना है, वीडियो को अस्थिर से देखिए दोस्तों और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे फॉल्ट को जो है दोस्तों, आप अच्छी तरह से रिपेयर कर सकेंगे और केवल दोस्तों 2-4 रुपये में ही ये फॉल्ट रिपेयर हो जाती है। तो अधिकतर जो ये फॉल्ट है दोस्तों, हमें वर्टिकल सेक्शन से ही होती है। तो चलिए हम टीवी को खोलते हैं। तो दोस्तों, टीवी को हम खोल के रेडी कर चुके हैं। अब चलिए हम अस्थिर से जो है दोस्तों, बोर्ड को बाहर निकालेंगे और साफ़ सुथरा करने के बाद हम मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करके देखेंगे इसकी सारी सप्लाई, और उसके बाद जो है दोस्तों, जो फॉल्ट हुआ है वो आप सबको हम दिखाएंगे कहाँ से ये फॉल्ट आती है अधिकतर हमारी सैमसंग CRT टीवी में। तो छोटे छोटे वायर सबको हम निकाल के बाहर रख देना है और सर्किट बोर्ड को अच्छी तरह से हमें बिठा के जो है दोस्तों, पॉइंटर पर इस तरह से रख लेंगे ताकि हमें काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ देख सकते हैं, ये वर्टिकल सेक्शन की फॉल्ट है और यहाँ जो है जितने भी कंपोनेंट कंडेंसर और रेजिस्टर PF, यही सब को हमें चेक करके देखना है। यहीं से ये दिक्कत वर्टिकल सेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो टीवी पर हम लाइन देंगे और इसमें हम सारी सप्लाई को हम चेक करके देखेंगे सबसे पहले कहां से दिक्कत आई है ये प्रॉब्लम। तो ग्राउंड हम कहेंगे रख लेंगे दोस्तों और यहां वर्टिकल सेक्शन की वोल्टेज को हम टेस्ट करेंगे। तो 13 वोल्ट की प्लस की सप्लाई बिल्कुल ओके है और एक 13 वोल्ट की सप्लाई जो है दोस्तों, किनारे में लेफ्ट और राइट साइड में, तो उसमें भी हम चेक करके देखेंगे इस जगह से। तो यहाँ भी देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, यहाँ 13 वोल्ट की सप्लाई है और बीच वाले पिन पर जो है दोस्तों, माइनस की सप्लाई हमारी इस सर्किट बोर्ड पर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, रेनबो स्क्रीन होने की प्रॉब्लम जो है दोस्तों, अधिकतर हमारी वर्टिकल IC से ही होती है, लेकिन इस TV में नतीजा कुछ और ही है। तो देख सकते हैं, इसकी जो सप्लाई है 14 वोल्ट माइनस की सप्लाई ड्रॉप है, जिसकी वजह से CRT TV में हमें रेनबो स्क्रीन की फॉल्ट मिल रहा है। तो रेनबो स्क्रीन फॉल्ट जब हमारी 13 वोल्ट की सप्लाई जो है माइनस अगर इस IC पर आ जाएगी तो ये जो फॉल्ट है ये सही हो जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके जो है रेजिस्टेंस के थ्रू हम इसे चेक करेंगे। अगर इसमें कोई PF या रेजिस्टेंस ख़राब होगा तो उस रीजन में भी हमारी जो रेनबो स्क्रीन है ये फॉल्ट हो सकती है। तो हम चलिए इस फॉल्ट को आप सबके बीच हम रिपेयर करके दिखाएंगे। इससे पहले जो है, इस सर्किट को हमें ढूंढना है कहां से ये मिस हुआ है 13 वोल्ट माइनस सप्लाई। तो यहां से रेजिस्टेंस के थ्रू यहां आई है और यहां से देख सकते हैं दोस्तों, एक कंडेंसर लगी हुई है और यहां भी हमें सप्लाई देखने को नहीं मिलता है और यहां एक जम्फर लगा हुआ है, तो जम्फर के बीच में भी हमें सप्लाई नहीं मिल रहा है। और यहाँ से एक जो रेजिस्टेंस लगी हुई है और रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हमारी ST तक हमारी सप्लाई आई है। तो ST से जो दोस्तों निकलती है माइनस 14 वोल्ट की सप्लाई, जो यहां से हमें रेजिस्टेंस के थ्रू मिलता है और यहां से सीधे जो है दोस्तों, हमें जम्फर के जरिए ST तक आती है और यहां से जो माइनस 14 वोल्ट की सप्लाई सीधे IC पर घुसती है। तो ये सप्लाई हमें बीच में जो है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है ये ख़राब हुआ होगा या तो दोस्तों कहीं और जगह फॉल्ट होगा। तो चलिए हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो हम रेजिस्टेंस को सर्किट बोर्ड से निकाल लेंगे बाहर और इसमें हम जो है दोस्तों, मल्टीमीटर के द्वारा हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे या तो इसकी रीडिंग चेक करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है दोस्तों, एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो हमें माइनस की जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसे निकालना है बाहर। तो हम बाहर निकाल चुके हैं और देख सकते हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जो है हमें काला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो रीडिंग है वो हम चेक करने वाले हैं मल्टीमीटर पर। तो मल्टीमीटर को फॉलो करेंगे। चलिए हम इसकी कंटिन्यूटी पर हम
मल्टीमीटर को रख देंगे प्रोब को, और दोनों प्रोब से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मीटर को हम यहाँ सेट कर चुके हैं, अब एक लेग इधर और एक दूसरा लेग इधर, दोनों तरफ से हम दोनों प्रोब को हम इस तरह से सटाएंगे और देखेंगे इसकी रीडिंग। तो रीडिंग कोई भी शो नहीं हो रही है। ये जो रजिस्टर है हमारे पास ये ओपन हो चुका है। तो चलिए हम दूसरा रजिस्टर लगा के हम चेक करते हैं। तो हमारे पास खुला हुआ एक रजिस्टर है दोस्तों। चलिए हम इसकी सर्किट पर हम सेट करेंगे और इस टीवी पर हम लाइन देकर के चेक करके देखेंगे। अगर रजिस्टर की वजह थी दोस्तों तो ये टीवी ओके हो जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस टीवी पर हम लाइन देकर के देखते हैं। चलिए तो इस रजिस्टर को हम अच्छी तरह से सेट करेंगे और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक रजिस्टर और भी है। और इस तरह से रजिस्टर अगर लगाएंगे दोस्तों दोनों प्रॉप को अच्छी तरह से रख लेना है, नहीं तो दूसरा रजिस्टर के साथ अगर टच हो जाएगा दोस्तों तो इस रीजन में दूसरा भी फॉल्ट हो सकता है। तो हमें सावधानीपूर्वक से इस तरह से अच्छी तरह से लगा लेना है और देख लेना है दोस्तों, और साफ़ सुथरा करके ही लगाना है। तो इस रजिस्टर को हम सेट कर चुके हैं, अब जो हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे और इस टीवी पर हम फिर से दोबारा हम लाइन को कनेक्ट करने के बाद हम मल्टीमीटर के द्वारा 14 वोल्ट माइनस की जो सप्लाई थी उसे हम चेक करेंगे। तो रजिस्टर को हम लगा के कम्प्लीटली रेडी कर चुके हैं और टीवी पर जो है हम प्लग को लगा चुके हैं और टीवी पर हमारी लाइन आ चुकी है। अब चलिए हम इस टीवी को इस तरह से रख लेते हैं सर्किट पीसीबी बोर्ड को, और हम मल्टीमीटर के जरिए हम इसकी चेक करेंगे। इस जो माइनस 14 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप आगे दिखाई दे रही थी, अगर ये सप्लाई आ चुकी है दोस्तों तो हमारे टीवी जो है ओके हो जाने वाली है। तो हम 200 की रेंज पर फिर से दोबारा सेट करेंगे और यहाँ माइनस 14 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे। तो दोस्तों 13.5 वोल्ट हमें माइनस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इस टीवी पर जो भी फॉल्ट थी वो दूर हो चुका है, देख सकते हैं। और पॉजिटिव पर हमें 14 वोल्ट से प्लस दिखाई दे रहा है, यानी 15 वोल्ट के करीब। तो ये सप्लाई जो है दोस्तों एक रजिस्टर की वजह से ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पीसीबी बोर्ड पर ऐसी प्रॉब्लम रेनबो स्क्रीन की फॉल्ट दिखाई दे रहा था। तो चलिए हम स्क्रीन पर जाके देखते हैं दोस्तों ये जो फॉल्ट था अब हमारी कैसी नतीजा दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सैमसंग CRT टीवी पर जो भी फॉल्ट था रेनबो स्क्रीन की, ये सॉल्व हो चुका है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक ID को अभी तक फॉलो नहीं किए जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से सवाल या जवाब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।